तब हमने कर लिए हैं दो चार प्रोडक्टों के रिव्यू यहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे। आज कुछ नहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि हम बैठे हैं ऑफिस में। ये देखो गाइस, मैंने वाइट रंग की नहीं ऑर्डर करी थी, लग वाइट रही है वैसे। आज हम डैब के लिए लाए हैं स्टार कोट, ये इसका फेवरेट है ना। ये पिंकू जी का कप सिरप भी, पिंकू जी का कप सिरप भी लेके आए हैं हम। ये लो पिंकू जी। पढ़ाई क्या करी है आज आपने, बताओ जरा। मैंने की है। क्या पढ़ा है आज? इधर निपटाऊंगी, बताओ ना। एक बाइट मिल चुकी है ना, इसमें टेस्ट पड़ गया इसकी मुंह में। हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। आज सुबह सुबह मुझे बताया अर्जुन ने, इसका फ़ोन आया ऑस्ट्रेलिया से, इसने उठा दिया। डैब भी आ चुका देखो मेरे पास। और आज देखते हैं, आज मेरा उठाऊँ 1 बजे। रात को इतनी वीडियो एडिट करनी थी, 2 वीडियो एडिट करने के बाद, इतनी वीडियो देखने के बाद कि यूट्यूब पे व्यू कैसे आए कैसे आए कैसे आए कैसे आए, 1-2 बज गए। इसी वजह से मैं 1 बजे उठाऊँ आज। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम यहाँ पे नियोन लगाने वाले हैं, पिंकू जी को गिफ्ट देने वाले हैं नियोन। चलो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हमारा नाश्ता आ चुका है, ये हमारा मक्खन है, ये हमारे कॉफी और परोठे हैं। आपसे मैंने नया चैनल बनाया गाइस, किट्टू पिंकू शॉर्ट्स, किट्टू पिंकू व्लॉग शॉर्ट्स। तो मैं सारे शॉर्ट वीडियो जो हैं उस पर डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मिक्स हो जाता है तो काम सही नहीं रहता। उस पर सारे शॉर्ट वीडियो आज तक जितने मैंने इंस्टाग्राम पर डाले हैं सारे डाल रहा हूँ। कम से कम 100-300 वीडियो हो जाएंगे, तो उससे व्यूअर भी बढ़ेंगे। ये देखो डैब इन्जॉय कर रहा है अपना, ये खेलता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। डैब आज क्या कर रहा है? डैब को हड्डी मिल गई अपनी पुरानी, डैब की हड्डी है ये ख़त्म ही नहीं हो रही, कभी नहीं ख़त्म होती है। आधी इसने ख़त्म फिर भी कर दी है, बट क्योंकि ये 2 दिन खेलेगा बेड के नीचे वाड़ देगा, फिर हमें भी भूल जाएगा, इसे भी भूल जाएगा। फिर मैं 2-3 दिन 4 दिन बाद सफाई कोई नीचे करूँगा, फिर मिल जाएगी, ऐसा ही होता है। 1 hour later अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ऑफिस में आज हमारी वेबसाइट गाइस माई फोटो प्रिंट नई बन चुकी है, बस उसमें थोड़ा बहुत काम पड़ा है, जैसे ही लॉन्च हो जाएगी हम आपको बताएंगे। बस आज उसी के काम ख़त्म करने आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खाना वाना खा लिया हमने, पिंकू जी भी ठीक हो चुके हैं, खुशखबरी है पिंकू जी अब फिट एंड फाइन है, मेरी सेवा का असर हो गया है। तो गाइस अगर आपको भी अपने स्केच अच्छे लगते हैं या आप ही अपना स्केच बनाना चाहते हो, मतलब ये देखो ये हैंडमेड स्केच नहीं है, ठीक है, हैंडमेड स्केच भी हमारे पास आते हैं। हैंडमेड स्केच आर कॉस्टली बिकॉज इट टेक्स टाइम, राइट, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको नहीं पता तो आप सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देख सकते हो जो उसने बना रखे हैं हैंड पे, तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है। बट ये हमने उसका अल्टरनेट निकाल दिया है, ये है डिजिटल स्केच। तो डिजिटल स्केच विद फ्रेम हम दे रहे हैं, अकेला स्केच नहीं है, ठीक है, क्योंकि और इसको बनने में डिज़ाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट उससे कम ही लगता है। और इसके साथ साथ हम दे रहे हैं ये फ्रेम, और ये फ्रेम किसी भी कलर में हो सकता है। ये आपको दिख रहा है ब्लैक, तो ये वाइट कलर में भी हो सकता है। इसके अंदर आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली हम सिर्फ आज बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये स्केच। और इसका पेपर बहुत अच्छी फिनिशिंग का, मैट फिनिशिंग का होता है। ये देखो चारों तरफ से आपको मैं 3D व्यू देता हूँ उसका। आपको जस्ट ये करना है, आपको फ़ोन उठा के मैसेज करना है या फिर मोबाइल खोल के ऐड टू कार्ट स्केच सर्च करके वहाँ पे ये ऐसी फ़ोटो आ जाएगी। उस प्रोडक्ट पे जाना है, अपना फ़ोटो डालना है, अपलोड करना है, ऐड टू कार्ट करना है, बाय नाउ करना है, पेमेंट करनी है, और आपके घर में प्रोडक्ट 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पिन कोड। तब हमने कर लिए हैं 2-4 प्रोडक्टों के रिव्यू यहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे। आज कुछ नहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि हम बैठे हैं ऑफिस में। कपड़े भी आ गए हमारे, मैंने नई वेबसाइट से कपड़े मंगाए, पहले मुझे लगा फेक वेबसाइट है, अभी powerlook.com.in ये काफ़ी जानों को लगता है कि ये फेक वेबसाइट है, बट आज मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये फेक वेबसाइट नहीं है। तो भैया को ये शर्ट पसंद आ गई है, बाकी पैसों के हिसाब से गाइस, पैसों के हिसाब से ठीक है, 500 रुपये की है, अब बेचारे क्या देंगे 500 में। ये देखो गाइस, मैंने वाइट रंग की नहीं ऑर्डर करी थी, लग वाइट रही है वैसे। वाइट ही है गाइस, मुझे क्या परेशानी हो गई। हमारा लंच स्टार्ट हो गया है, हम ऑफिस बाद में आते हैं, पहला हमारा नाश्ता और लंच स्टार्ट हो जाता है। आज मैंने मंगाए हैं कबाब्स,
भाई सोखा काम हो गया आजकल, पहले होता था जाके लेके आओ ये वो, आजकल सीधा स्विगी मारो जोमेटो मारो, आजकल तो हमारे और भी लिंक बन गए, हम सीधा फ़ोन करते हैं हमारा सामान आ जाता है। और गाइस मैं ना सोच रहा हूँ कि एक रिएक्शन चैनल खोलूँ जिसपे मैं हर न्यूज़ और हर गाने और हर मूवी पे एक रिएक्शन दिया करूँ, क्रिटिक्स काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे हर चीज़ में ना वो रहता है कि मैं उस पर रिएक्शन दूँ। तो मैं क्या कहते हो आप? No, God, please, no, no! आज हम डैब के लिए लाए हैं स्टार कोट, ये इसका फेवरेट है, है ना? है ना? है ना? ये पिंकू जी का कफ सिरप भी, पिंकू जी का कफ सिरप भी लेके आए हम। इसके खाने में डालेंगे हम डैब के स्टार कोट। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। तो गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ, नई शर्ट में पिंकू जी कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा मिक्की वाला, मिक्की माउस वाली शर्ट ली है मैंने। तो अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ दूसरी शर्ट। तो गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ, तो अब मैं पहन के दिखाता हूँ आपको अपनी दूसरी शर्ट। तो ये कैसी लग रही है बताओ जरा? अच्छी लग रही है, टाइट है। ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते, इतना बुरा भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। पैटर्न के हिसाब से ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स में कम शर्ट्स मिलती है ना। डैब खाना नहीं खा रहा था तो हमने आज इसके अंदर मक्खन डाल दिया है, तो पट 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 खाना शुरू हो गया है। खाना आ चुका है नजारेदार, हमारा खाना पिंकू जी ने नजारेदार खाना बनाया है। ये देखो, ये है चाप, चाप भाई साहब चेक करो जरा। पढ़ाई क्या करी है आज आपने बताओ जरा? मैंने की है। क्या पढ़ा है आज? इधर नहीं बताऊंगी। बताओ ना, किस तो पढ़ा होगा? अपने चैनल में बताऊंगा, इधर के अपने चैनल में बताया कि बड़ी स्मार्ट है। यहाँ हमारा खाना चल रहा है और ये डैब जो कैसे बैठा है। फिर भी ये रोटी दे, मगर दुनिया सुबह शाम दोपहर खाई रोटी। एक बाइट मिल चुकी है ना, इसमें टेस्ट पड़ गया इसकी मुंह में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बीमार चल रहे हैं, तो पिंकू जी ने एक नई रेसिपी जात कर ली है। शीरा, शीरा, शीरा है दादी के। क्या बना रही हो फिर? मैं बना रही हूँ बेसन का शीरा। तो ये अपना ठीक होने की होम रेमेडीज ट्राई कर रही है। ये मैंने लाइट ज्यादा ही बना ली, मेरी आंखों में लग रही है। तो होम रेमेडीज ट्राई कर रही है ये अपने ठीक होने के लिए। तो गाइस आए रात हो चुकी है, आज का भी लोग यहीं पे एंड करते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमारी वीडियोस भी 6 मिलियन पार कर पाए जल्दी से जल्दी।